स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल नाइन्थ की क्या स्टेटमेंट है आपके पास। इफ वाई इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो आपको क्या इवेलुएट करना है, इस इक्वेशन को देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और जो डी वाई बाई डी एक्स आई उसकी टू एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो कैसे करोगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हो, डी बाई डी एक्स ये आपका क्या है, यू प्लस वी टाइप का फंक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी। तो ये कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स। ठीक है, अब निकाल दो इसका डेरिवेटिव। कैसे निकालोगे, देखो अंडर रूट में है, मींस इसकी पावर कितनी है आपके पास, 1/2। ये भी अंडर रूट में, तो इसकी पावर भी कितनी है आपके पास, 1/2। कैसे निकालते हो डेरिवेटिव, पावर को आगे लेके आओगे, एक पावर को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1/2 इंटू एक्स बाई ए, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, एक पावर कम कर दोगे। दूसरा क्या होता है आपके पास, ये तो हुआ आपके पास पावर का डेरिवेटिव, फिर जो आपके पास ये बेस बच गया इसका डेरिवेटिव करोगे, ये आपका इस टाइप का ही तो है, ए एक्स प्लस बी टाइप का, वो अलग बात है, आपका ए की जगह पे आपके पास कितना दे दिया, 1/a दे दिया। वैसे भी एक छोटी सी चीज़ देखो, क्या होता है आपके पास कि अगर कोई फंक्शन है और उसकी कोई पावर है और आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन आपका सम में भी हो सकता है, डिफरेंस में भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है, क्यूब टाइप का भी, एक्स वाई जेड कुछ भी आपका एक्स का फंक्शन हो सकता है ये, तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो, सबसे पहले होगा पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव का मतलब पावर आगे आ जाएगी, ये एफ एक्स एज इट इज रहेगा और इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या करो, जो भी ये फंक्शन दे रखा है ना आपका, जो भी दे रखा है उसका कर दो आप डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब देखो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करके, ये आपके पास क्या है फंक्शन, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स बाई ए प्लस, अब यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, तो कितना बच जाएगा, ए बाई एक्स 1/2 - 1। और अब किसका डेरिवेटिव करोगे आप, a बाई एक्स का, तो देखो x आपका नीचे दे रखा है, इस टाइप का फंक्शन अगर आपके पास दे रखा हो तो पावर को क्या करते हो, नेगेटिव करके ऊपर ले जाते हो, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा a x की पावर -1। ठीक है, अब कर दो इसको सोल्व, कितना आएगा देखो, ये आपके पास आया 1/2, यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बाई ए होल पावर -1/2। इसका जब डेरिवेटिव करोगे, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1, और 1/a क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। रिजल्ट बताया था आपको कि जब आपको डेरिवेटिव करना हो किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा हो फंक्शन, तो कॉन्स्टेंट का तो बाहर निकाल देते हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, ये रिजल्ट अप्लाई करो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ 1/a ऑफ x, 1/a कॉन्स्टेंट, तो 1/a तो आ जाएगा बाहर, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1, तो ये आपके पास आ गया 1, प्लस 1/2 एज इट इज, ये क्या आ जाएगा आपके पास, a बाई एक्स होल पावर -1/2। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास, a तो एज इट इज, पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, -1 को तो आगे ले आए और एक पावर को क्या कर दिया, कम करोगे तो -1 और -1 कितना बन जाएगा, -2। अब देखो ये पावर -1/2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मीन्स क्या है आपके पास, ये आपके पास है अंडर रूट ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, और वो जब पावर कितनी है आपके पास, -1/2, तो कितनी आ जाएगी, जब नीचे जाएगी तो ये हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव, तो कितना बन जाएगा आपके पास, 1/2, 1/2 जो भी ये क्वांटिटी है इसको क्या ले आओ नीचे, और ये पावर कितनी है आपके पास, 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट यानी कि एक्स बाई ए। ठीक है, प्लस 1/2
वन बाई, ये कितना हो जाएगा नीचे आ गया, इसकी भी पावर माइनस वन बाई टू, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास नीचे आ जाएगा, कितना आ गया आपके पास ए बाई एक्स। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखो माइनस बाहर लेके आओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ए आपका एज इट इज, एक्स की पावर माइनस टू का मतलब क्या होता है आपके पास वन बाई एक्स स्क्वेयर, जब भी पावर आपके पास नीचे जाती है तो क्या हो जाती है पॉजिटिव, और अगर नीचे है इसको ऊपर लिखना हो तो ये क्या बन जाती है आपके पास माइनस की बन जाती है। तो इसको सोल्व करके इतना आया। अब देखो वन अपॉन अंडर रूट टाइप का कुछ लिख रखा है, अगर इसको आपको फर्दर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा वन बाई टू। अब आपके पास क्या रिजल्ट होता है कि वन से वन बाई ए, वन बाई ए लिख रखा हो मीन्स अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रखा हो और उसको मल्टीप्लीकेशन में लिखना हो तो उस क्या हो जाता है आपके पास इसका रेसिप्रोकल, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा ए। तो इसी तरह से जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो इस नंबर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए बाई एक्स माइनस वन बाई टू, और ये आपके पास क्या बन जाएगा एक्स बाई ए, ठीक है। और ए आपका एज इट इज और एक्स स्क्वेयर भी आपका एज इट इज। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो चीज़ आपको प्रूव करनी है उसमें देखो वन बाई अंडर रूट की टर्म कहीं भी नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट क्या कर दिया हमने इसको रेसिप्रोकल में लिख दिया, ठीक है। अब ये तो आपके पास आई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, आपको तो क्या सोल्व करना है ये वाली चीज़ सोल्व करनी है, करो सोल्व। कितना आएगा देखो इस साइड को कंसिडर करके, चलो लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, जो जो वैल्यू है उनको पुट कर दो, टू एक्स तो रखो एज इट इज, वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट ए बाई एक्स, ये आपके पास वाई है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है वन बाई टू अंडर रूट ए बाई एक्स माइनस वन बाई टू अंडर रूट एक्स बाई ए, और साथ में कितना है आपके पास ए बाई एक्स स्क्वेयर। अब क्या करना है आपको, अब जस्ट इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। कैसे मल्टीप्लीकेशन करोगे देखो, करो इसकी मल्टीप्लाई, कितना आएगा आपके पास टू एक्स तो आपका एज इट इज, ठीक है। इस फैक्टर की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करके इस फैक्टर की पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा देखो, पहले इस वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा देखो, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो देखो ये तो एक्स बाई ए, ये ए बाई एक्स क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म आपकी छूट गई, कहाँ पे छूटी जब इसका आपने डेरिवेटिव किया था, तो यहाँ पे वन बाई ए आएगा, वन बाई ए, वन बाई ए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया वन बाई ए, वन बाई ए को भी रखो वन बाई ए, टू ए हो जाएगा आपका। तो देखो जब आप इस फैक्टर की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स बाई ए से एक्स बाई ए बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों के आपके पास रेसिप्रोकल एक दूसरे के, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास, या फिर टू एक्स को अभी एज इट इज रखो, जस्ट इस फैक्टर की मल्टीप्लाई करो, तो ए बाई एक्स से एक्स बाई ए कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास वन बाई टू ए। अब इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा एक्स बाई ए, ये एक्स बाई ए, ये वन बाई टू पावर, ये वन बाई टू पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये माइनस वन बाई टू एक्स बाई ए, और साथ में क्या है आपके पास ए बाई एक्स स्क्वेयर। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक वन बाई एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इस फैक्टर की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा प्लस एज इट इज वन बाई टू ए बी एज इट इज। अब बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, वन बाई टू पावर ये, वन बाई टू पावर ये, तो कितनी हो जाएगी आपके पास पावर वन, ठीक है। फिर जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास माइनस वन बाई टू, तो एज इट इज ये ए बाई एक्स, ये आपका एक्स बाई ए, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा माइनस वन बाई टू ए बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब करो इसको सोल्व फर्दर, कितना आएगा देखो इस ए से ये ए कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास, अब इस टू एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर या नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, पहले इसी को सोल्व कर लो, वन बाई टू ए माइनस ए से ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना बच गया वन बाई टू एक्स प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास वन बाई टू एक्स बचेगा माइनस वन बाई टू ए बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब इसके बाद देखो टू एक्स से
2x कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 कॉमन लोगे आप यहाँ से, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस x की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो कितना आ जाएगा आपके पास x बाई ए माइनस, जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 पावर 2, तो यहाँ पे पावर, 1 पावर यहाँ पे, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास a बाई x। और देखो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है।